हेलो, व्हाट इज दिस? मैंने कहा था ना मेरे रूम में पानी रख देना, ले आओ। अरे इसे पानी चाहिए ना? कोई जरूरत नहीं है, खुद लाने दो। क्यों फालतू में कलेश करना है? इट्स ओके काव्या। इट्स नॉट ओके डिम्पी, आप ही नाक में दम कर दिए। ये लड़की कब तक यहाँ रहने वाली है? जब तक है अच्छा ही है। मामी बनने के बहाने माँ बनने का मौका मिल रहा है काव्या, जो ममता में अंश पे नहीं लुटा पाती वो ईशानी पे लुटा पा रहे हैं। हम दोनों माँ बन के भी माँ नहीं बन पा रहे। पहले इस घर में हजार इश्यूज होते थे, हजारों कलेश होते थे, झगड़े होते थे, लेकिन फिर भी ये घर घर लगता था, अच्छा लगता था। लेकिन अब तो कैद खाना लगने लगा है। वनराज बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन उसके साथ साथ उसकी ईगो और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। उसे लगने लगा है कि ये घर बस उसी की वजह से चल रहा है, इसीलिए उसी के हिसाब से चलना चाहिए। अरे उसे ये नहीं दिख रहा है कि इस घर में सांस तो सब ले रहे हैं, लेकिन जी कोई नहीं रहा है। यार आई सो विश के घर पहले जैसा हो जाए, पहले जैसा जब जैसा अनुपमा के टाइम पे हुआ करता था। पीपली 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 बेबली, व्हाट बेबली? सॉरी 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 बेटा, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मेरी बेटी का नाम मेरे मुंह से निकल गया। तुम्हारी जितनी होगी तुम्हारे उम्र की। सॉरी सॉरी, वैसे तुम्हें कुछ चाहिए? अंदर देख रही थी, तुम क्या देख रही थी? आपको देख रही थी, पता नहीं क्यों। ये बच्ची इतनी जानी पहचानी से क्यों लग रही है, अपनी से क्यों लग रही है? सालों बाद आपके मुंह से बेबली सुना। ये बच्ची मुझे मेरी बेबली की याद क्यों दिला रही है? तुम ठीक हो? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं कुछ हेल्प कर? नहीं, अब कुछ नहीं कर सकती हो। आपको लगता है आप सब ठीक कर सकते हो, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकती हो।